हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे दीतिमन। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से वैकेंसी आई है, जहां पर टीजीटी की पोस्ट के लिए सैलरी 63,758 रुपीस पर मंथ आपको दी जाएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मेन वेबसाइट पर चलेंगे, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जहाँ से वैकेंसी आई है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है होम पेज पर ही जो है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, और नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा आपके सामने नजर आएगा वैकेंसी एंड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ एडवर्टीजमेंट भी आपको मिलेगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है यहाँ पर आपको नजर आने वाला है। तो चलिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इसको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो डिटेल जो है एडवर्टीजमेंट जो है ये आपको नजर आएगी, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों के लिए यहीं पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, जिसे आप जो है डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके फिल करके आप लोगों को भेजना है। समय से पहले ही भेजना है। तो चलिए कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन देख लेते हैं, सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर आई है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से है, 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, 15 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। सीबीएसई स्कूल है, आप सभी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो है वैकेंसी आई है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर कहा गया है 21 से 35 साल जो है वो उम्र होनी चाहिए, और 63,758 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ग्रेजुएशन मैथ के साथ होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए आपके उसमें, और बीएड होना चाहिए, कंपलसरी है, और सीटेट भी यहाँ पर मांगा गया है। एक्सपीरियंस जो है यहाँ नहीं मांगा गया है। मैथमेटिक्स के लिए मीडियम रहेगा इंग्लिश, हिंदी के लिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही जो है स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। 21 से 35 साल रहेगी उम्र, यहाँ पर भी जो है ग्रेजुएशन आपने हिंदी में की हो, 50% अंक हो आपके, और बीएड होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। बिना सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। 63,758 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। काउंसलर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन और या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो साइकोलॉजी में, साथ में जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए करियर गाइडेंस और काउंसलिंग का, ठीक है, या तो करियर गाइडेंस का हो या फिर काउंसलिंग का हो। यहाँ पर सैलरी भी जो है काउंसलर के लिए वही है 63,758, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों से जो भी डिमांड की जा रही है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में, साथ में आप लोगों के पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए और सीटेट क्वालिफाई हिंदी और मैथ में होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो यहाँ पर कई ऑप्शन मिलेंगे आपको। शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या तो आपने मैट्रिकुलेशन पास किया है या इसके समकक्ष कोई एग्जाम आपने क्लियर किया है, और इंग्लिश जो है वो आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। केवल फीमेल कैंडिडेट ही जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेगी। उम्र जो है यहाँ पर अधिक है 18 से 50 साल। सैलरी यहाँ पर 25,560 जो है वो आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड डिग्री कोर्स किया है 4 ईयर, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 3 साल ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर बीपीएड डिप्लोमा, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। बीएससी फिजिकल एजुकेशन से किया है आपने, 1 साल का आपने बीपीएड डिप्लोमा किया है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल पाएंगे। नेक्स्ट नर्सिंग सिस्टर, केवल जो है फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएगी। 18 से 50 साल उम्र है, 25,560 यहाँ पर मंथ सैलरी दी जाएगी, और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कहा है कि नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। साथ में जो है यहाँ कहा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस यह भी मांगा गया है, और ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है ये वैकेंसी है। उसके बाद देखें प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, इसे जो है वह बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपने इन चीज़ों को जो है फॉलो नहीं किया। सबसे पहले आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिखा दिया था, उसको आप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। और आपको क्या करना है, जो एनवलप यूज करना है वो A4 साइज एनवलप होना चाहिए, और इस तरीके से आप लोग एड्रेस लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हिंदी मैथ जिसके लिए भी कर रहे हैं आप यहाँ लिख देंगे। फिर टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रोड राजस्थान, ठीक है, इस तरीके से एड्रेस कंप्लीट, उसके बाद खुद का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से जो है वो भर लेना है। यहाँ पर लिखा है ब्लू पेन का यूज करेंगे, ब्लॉक कैपिटल लेटर ही जो है यहाँ पर आप लोगों को
लिखना है। साथ में आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक, कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट और जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आप लोग लगा देंगे। उनकी फोटो कॉपी जो है खुद के साइन, सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के साइन करके जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों को भेजना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस है 500 रुपीज लगेगी, जो कि नॉट रिफंडेबल, वापस नहीं की जाएगी। टू बी अटैच्ड एज अ डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, जो कि चित्तौड़गढ़ के लिए पेबल होगा। या लिखा है एप्लीकेशन फीस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनी अदर मोड, किसी और तरीके से जो है वो एप्लीकेशन फीस आपकी जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हर एक लाइन को आप बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के जो 500 रुपीज़ हैं वो वापस नहीं होंगे और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको फॉलो नहीं किया। लास्ट डेट जो है वो 29 सितंबर रहने वाली है। यहाँ पर लिखा है कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो कॉल लेटर विल बी इश्यू टू ऑल एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय ईमेल ओनली। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में जो है ईमेल एड्रेस बहुत अच्छे से जो है वो लिखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि केवल यही जो है वो माध्यम रहेगा आप लोगों को कॉल लेटर भेजने का, ठीक है। ईमेल के द्वारा आप लोगों को भेजा जाएगा जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। दिस स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक, अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो स्कूल की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरें। बाकी मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगी ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर आकर एप्लीकेशन कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।